News 18, India. 22 जनवरी को अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। पहले दिन ही लाखों लोगों ने राम मंदिर में राम लल्ला के दर्शन की। भक्तों की भारी भीड़ और लंबी कतारें लगी हुई है। राम मंदिर में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या धाम में राम लल्ला के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सभी व्यवस्थाओं के आवश्यक प्रबंध कराने के लिए सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के साथ परिस्थितियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें मुख्य रूप से श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, व्हील चेयर, जूट मैटिंग, ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्थाएं, गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्थाएं, श्रद्धालुओं के सामानों की सुरक्षा के लिए होल्डिंग एरिया, बुजुर्गों और वृद्धजनों के विश्राम करने के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां और सभी घाटों सहित पूरे नगर में साफ सफाई लगातार करते रहने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गणतंत्र दिवस पर पुलिस को अलर्ट रहने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कठोर कार्रवाई के आदेश भी शामिल है। राम लल्ला के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की सुरक्षा और बेहतर तरीके से दर्शन के लिए अब प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को तेज कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं पर करीब से नजर रखी जा रही है।